हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज राष्ट्रीय केंद्रीय यूनियन के आह्वान पर जिला मुख्यालय ऊना में प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व कामरेड गुरनाम सिंह जिला सचिव ने किया। आज देश और दुनिया महामारी के संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में जनता को राहत देने की बजाय केंद्रीय सरकार आम जनता के बुनियादी ढांचे को ही बड़े पैमाने पर कानूनों को लाकर बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के समूहों के हवाले कर रही है। श्रम कानूनों को रद्द कर दिया गया है और उसके स्थान पर चार लेबर कोड को ला रही है, जो मजदूरों को गुलामी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में केंद्रीय ट्रेड के मान पर पूरे देश में धरने, प्रदर्शन और रैलियां की जा रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने श्रम कानून के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। मजदूरों को जो श्रम कानून बड़ी कुर्बानियां देने के बाद प्राप्त किए थे, वो सभी के सभी वापस ले लिए गए हैं। और ये 100 साल पहले जो श्रम कानून बड़ी कुर्बानियां देने के बाद बनवाए गए थे, वो सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। और जहाँ तक कोरोना महामारी के समय में जो लोगों को रियायतें देनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने क्या किया, लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। किसानों के ऊपर हमला, मजदूरों के ऊपर हमला, नौजवानों के ऊपर हमला, हर वर्ग के ऊपर हमला किया जा रहा है। हड़ताल, मजदूरों को हड़ताल करने का हक वापस ले लिया जा रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए ऊना से ज्योति सियाल की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।